नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल में। मेरा नाम ऋषि राज के शुरू में बात करने वाले हैं बिहार सिविल कोर्ट वैकेंसी के बारे में। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वीडियो बनाकर जानकारी दिया था कि बिहार सिविल कोर्ट में आप लोगों का बहाली आया हुआ है, लेकिन इस नोटिफिकेशन में आप लोगों का जानकारी नहीं दिया गया था कि इसमें आप लोगों का क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, यानी कि क्या योग्यता आप लोगों का रखा गया है सभी पदों के लिए और यहाँ पे आप लोगों का सिलेक्शन किस प्रकार से होने वाला है। तो आज मैं आप लोगों को ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से जानकारी देने वाला हूँ कि यहाँ पे जो आप लोगों का चार तरीके का पद रखा गया है, क्लर्क हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, आप लोगों का कोर्ट रीडर है, चपरासी है, तो इन सभी पदों के लिए आप लोगों का क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है और किस तरीके से आप लोगों का चयन प्रक्रिया होने वाला है। मैं ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं और इसका जो आप लोगों का आवेदन है वो 20 तारीख से यानी कि 20 सितंबर से आप लोगों का शुरू कर दिया जाएगा। तो 5-6 दिन में आप लोगों का जो आवेदन है वो भी यहां पे शुरू कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले यहां पे आप देख पाओ दोस्तों, मेरे पास यहां पे नोटिस पड़ा हुआ है और यहां पे आप लोगों का जानकारी दिया गया है कि जो आप लोगों का यहां पे ऑनलाइन आवेदन होने वाला है वो वर्ग 3 के लिए यानी कि ग्रुप सी के लिए आप लोगों का यहां पे आवेदन होने वाला है। साथ में यहां पे दोस्तों बिहार व्यवहार न्यायालय अधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्ति पदोन्नति स्थानांतरण एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली 2022 के तहत जो है आप लोगों का ये बहाली यहां पे होने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे पास जो नियमावली है वो यहाँ पे उपलब्ध है, यानी कि 2022 में जो नियमावली बनाया गया था उसी के माध्यम से इसका चयन प्रक्रिया होने वाला है और ये पूरा नियमावली मेरे पास जो यहाँ पे उपलब्ध है। तो यहाँ पे जो भी पद है उस पद में आप लोगों का क्या क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है और क्या आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है उसका एक नियमावली पहले आप लोगों का तैयार कर दिया गया था, तो उसी नियमावली के आधार पर ये बहाली होने वाला है। तो मेरे पास जो है वो नियमावली उपलब्ध है। तो यहाँ पे आप देख पाओ दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारे पास नियमावली उपलब्ध है। यहाँ पे आप देख लीजिए दोस्तों, आप लोग का जानकारी दिया गया कि बिहार व्यवहार न्यायालय अधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्ति पदोन्नति स्थानांतरण एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली 2022। तो यहाँ पे जिस नियमावली के बारे में बताया गया दोस्तों उसी नियमावली का यहाँ पे जो पूरा पीडीएफ है हमारे पास यहाँ पे जो पड़ा हुआ है, यहाँ पे जो है आप लोगों को पूरा डिटेल में जानकारी दिया गया कि किस तरीके से आप लोगों का ये बहाली होने वाला है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये जानकारी देता हूँ कि यहाँ पे आप लोगों का योग्यता क्या रहने वाला है और क्या आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, किस तरीके से सिलेक्शन होने वाला है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे आप लोगों का पूरा जानकारी दिया है कि आप लोगों का ग्रुप सी के लिए जो यहाँ पे कलर का पोस्ट है उसमें क्या आप लोगों का योग्यता रहने वाला है। तो आपको थोड़ा सा नीचे करना है, यहाँ पे पूरा आप लोगों का जानकारी दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख पाओ दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारे पास जो नोटिस है वो पड़ा हुआ है, जो पेज 15 नंबर से आप लोगों का शुरू होता है और यहाँ पे आप देख पाओगे व्यवहार न्यायालय की स्थापना, अहर्ता, उम्र तथा भर्ती की पद्धति यहाँ पे आप लोगों का बताया गया है किस प्रकार से आप लोगों का भर्ती होने वाला है। आप लोगों का जो दूसरा पद यहाँ पे आप लोगों का रखा गया है वो स्टेनोग्राफर का यहाँ पे पद रखा गया, जिसको कि हम लोग हिंदी में यहाँ पे आशुलिपि कहते हैं। तो नीचे आप आइएगा तो यहाँ पे आशुलिपि ग्रेड 1 का आप लोगों का बताया गया, आप नीचे की जगह तो यहाँ पे ग्रेड 2 और ग्रेड 3 का यहाँ पे बताया गया। तो ग्रेड 3 वाला हमारा जो यहाँ पे पद रहने वाला है, यहाँ पे ये जो बहाली है वो सीधी नियुक्ति यहाँ पे आप लोगों का रहने वाला है। राज्य सरकार द्वारा समतुल्य पदों के लिए निर्धारित आयु सीमा जो रहने वाला है, यानी दोस्तों यहाँ पे जो आप लोग का राज्य सरकार के द्वारा आयु सीमा निर्धारित किया गया है वही आयु सीमा आप लोग का इसमें लगने वाला है। उसको दोस्तों यहाँ पे आप लोग क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातक, यानी दोस्तों यहाँ पे जो है अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप लोगों का जो है यहाँ पे किसी भी विषय में ग्रेजुएशन होना चाहिए तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर टंकन में प्रवीणता, यानी दोस्तों यहाँ पे जो है आप लोगों को यहाँ पे टाइपिंग आना चाहिए तभी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा निर्गत आशुलिपिक में प्रवीणता का प्रमाण पत्र, यानी दोस्तों यहाँ पे जो है आप लोगों का केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार द्वारा कोई आप लोगों का स्टेनो का यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे कितना कितना यहाँ पे जो टाइपिंग रहना चाहिए तो आशुलिपिक के लिए 80 वर्ड पर मिनट आप लोग का इंग्लिश में रहना चाहिए और 60 वर्ड पर मिनट जो है आप लोग का हिंदी में रहना चाहिए। आप लोग का 95% जो यहाँ पे आप लोग का एक्यूरेसी रहना चाहिए तभी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो आप लोग का टाइपिंग होगा उसमें टंकन की गति जो है वो आप लोग का 40 वर्ड पर मिनट आप लोग का इंग्लिश में रहेगा और 30 वर्ड पर मिनट जो है आप लोग का हिंदी में रहेगा। तो इस तरीके से आप लोग का बताया गया। यहाँ पे आप लोग का बता दोस्तों की लिखित परीक्षा होगा, आशुलेखन और जांच टंकन आप लोग का लिया जाएगा और कंप्यूटर निपुणता का जांच यहाँ पे आप लोग का लिया जाएगा और उसके बाद इंटरव्यू आप लोग का होगा। उस तरीके से आप लोग यहाँ पे जो स्नातक मांगा गया है। उसके बाद दोस्तों हमारा तीसरा जो पद रहने वाला है वो आप लोग का कोर्ट रीडर सह गवाही लेखक कहाँ पे पद रहने वाला है। तो नीचे आप कीजिएगा तो इसके बारे में भी आप लोग का जानकारी दिया गया है। यहाँ पे आप देख लीजिए आप लोग का जानकारी दिया गया कि न्यायालय रीडर सह डिपोजिशन यहाँ पे आप लोग का बताया गया, यानी कि कोर्ट रीडर कहाँ पे पद रखा गया है जिसमें कि आप लोग का सीधी नियुक्ति होने वाला है। आयु सीमा कम से कम आप लोग का 21 वर्ष यहाँ पे रहने वाला है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप स्नातक पास होने चाहिए, यानी कि आप ग्रेजुएट होना चाहिए तभी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे टाइपिंग आना चाहिए, 40 वर्ड पर मिनट आप लोग का इंग्लिश में होना चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट आप लोग का हिंदी में होना चाहिए तभी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। उसको दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए कि आप लोग का उच्च वर्गीय लिपिक कहाँ पे पद रखा गया है, यानी कि कलर कहाँ पे पद रखा गया है, जिसमें कि दोस्तों आप लोग का ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है और यहाँ पे आप लोग का कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए तभी
भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग का जो लास्ट पद रखा गया दोस्तों वो आप लोग का चपरासी अर्दली कहाँ पे पद रखा गया, यानी कि आप चपरासी कह लीजिए या फिर अर्दली कह लीजिए। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि आप लोग का परिचारी आदेशपाल और अर्दली कहाँ पे जो पद है वो आप लोग का रखा गया है, जिसमें कि आप लोग का सीधी नियुक्ति यहाँ पे रहने वाला है। और यहाँ पे आप लोग का मैट्रिक अगर पास है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ये जो है आप लोग का मेरिट बेस पे यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग का जो लिपिक का पद है, यानी कि आप लोग का जो ग्रेड थर्ड का लिपिक का पद है, इसमें भी आप लोग का कोई भी एग्जाम यहाँ पे नहीं होने वाला है। आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप लोग का कोई भी परीक्षा नहीं होने वाला है, सिर्फ आप लोग का मेरिट बेस पे ये जो बहाली है वो आप लोग का होने वाला है। तो परीक्षा आप लोग का स्टेनोग्राफर में होने वाला है और कोर्ट रीडर में आप लोग का परीक्षा होने वाला है। अब इसका जो पीडीएफ है वो आप लोग का कहाँ पे मिल जाएगा, आप खुद से इसको पढ़ सकते हैं और इसमें पूरा जानकारी आप लोग का दिया गया। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा इस पोस्ट का, इस पोस्ट पे आप चले आइएगा और यहाँ पे आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आप लोग को जो है नियमावली करके आप लोग को एक लिंक मिलेगा और यहाँ पे क्लिक करके आपको क्लिक करना है और आप लोग का जो ये पीडीएफ है वो आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप जो इस पीडीएफ को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो मैंने आप लोग को सरल तरीके से यहाँ पे जो पूरा जानकारी दे दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।